संविधान दिवस का आयोजन किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हाल में आयोजन हुआ। विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। भारत का संविधान उद्देशिका को पढ़कर संकल्प लिया गया। संविधान के मूलों की रक्षा करने की शपथ ली गई। आगरा में खून के रिश्ते हुए लहूलुहान। भाई ने बहन को गोली मारी। गोली लगने से बहन की मौत हो गई। गोली लगने से भाभी भी घायल हुई है। घटना को अंजाम दे हत्यारोपी फरार हुआ। पुलिस ने युवती की भाभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। सागंज थाना क्षेत्र में पूनम चौधरी नामक महिला की मृत्यु हो गई है और इनकी भाभी नीरू चौधरी वो घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ संपत्ति विवाद था और इनके भाई निक्कू चौधरी ने ये कांड किया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी साक्ष्य यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं और निष्पक्ष विवेचना कर दोषियों को पकड़ कर जेल भेजा जाएगा। तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार बच्चे को जोरदार टक्कर मारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस की टक्कर से साइकिल आई टायर के नीचे। हादसे में साइकिल सवार बच्चा बाल बाल बचा। राहगीरों ने बस के ड्राइवर को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। थाना ठाकुरगंज चौराहे के पास का मामला बताया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।